रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 19 अगस्त 2024 को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग समेत बेहद शुभ योग में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही राखी पर पंचक और भद्रा का साया भी रहेगा। इस दौरान राखी बांधने की मनाही होती है। मान्यता है कि भाई को राखी बांधते समय कुछ छोटी छोटी गलतियों से जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रक्षाबंधन के दिन बहनों को राखी बांधने के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़े कुछ जरूरी नियम। शुभ मुहूर्त में ही बांधें राखी। ज्योतिष के अनुसार बहनों को अपने भाइयों को राखी बांधने के शुभ मुहूर्त में ही रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, इसीलिए शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखें। पंचांग के अनुसार इस साल दोपहर 1:35 से लेकर शाम 6:30 तक राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। सबसे पहले भगवान को राखी बांधें। रक्षाबंधन के मौके पर सबसे पहले भगवान जी को राखी बांधें, उनका अक्षत और चावल से तिलक करें, मिठाई का भोग लगाएं और इसके बाद भाई को राखी बांधना शुरू करें। भाई के सिर पर रुमाल रखें। हिंदू रीति रिवाज में पूजा अनुष्ठान के दौरान सिर ढका रहता है। भाइयों को भी राखी बांधने से पहले उनके सिर को रुमाल या टोपी से ढक दें। टूटे हुए चावल का अक्षत ना लगाएं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को अक्षत और टीका लगाती हैं और फिर उन्हें राखी बांधती हैं। लेकिन अक्षत लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। टूटे हुए अक्षत अशुभ माने जाते हैं। राखी में 3 गांठें लगाएं। मान्यता है कि भाई को राखी बांधते समय रक्षा सूत्र में 3 गांठें लगा देनी चाहिए। ये गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। दाहिने हाथ में राखी बांधें। ज्योतिष के अनुसार भाई को हमेशा दाहिने हाथ में राखी बांधनी चाहिए। दाहिने हाथ को कर्मों से जोड़ा जाता है, इसीलिए इस हाथ में राखी बांधना शुभ माना गया है। बहनों का करे सम्मान। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों को किसी भी प्रकार से नाराज ना करें। साथ ही राखी बांधते समय इस बात का ध्यान रखें कि भाई का मुंह दक्षिण दिशा में ना हो। साथ ही काले रंग का इस्तेमाल कम से कम करें। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।